हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज कुछ लखनऊ से स्पेशली मेरे हेलमेट के लिए पैकेज आया है, तो आज हम लोग करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग एंड बाकी चीज़ें आपको दिखाएंगे। पर उससे पहले आज के हमारे स्पॉन्सर अवधेश हेयर सैलून, देख रहे हैं मैं इंसान बन गया और बचे हुए पैसे से मैंने इस कैमरामैन को पेटीज खिला के रिकॉर्डिंग पे बुलाया है। मुर्गा चाहिए मेरे को। सो इस समय जो पैकेजेस आ रहे हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि घर में अंदर लेके नहीं जाना है तुरंत, क्योंकि इसके अंदर का सामान तो 4 दिन पहले ही पैक हुआ था, तो अंदर तो कोई ख़तरा नहीं, लेकिन बाहर आउटसाइड में ख़तरा है। इसके लिए बाहर ही मैं अनबॉक्सिंग करूँगा एंड इसका डब्बा बाहर ही फेंक दूँगा। अंदर का सामान सेफ है क्योंकि 4 दिन हो चुका है इसको पैक हुए। कोशिश करेंगे कि बिना बॉक्स को टच कराए आउटसाइड लेयर को इसको हम लोग किनारे रख दे रहे हैं एंड ये डब्बा फेंक दिया जाए। उप्स, बहुत ज्यादा हो गया। तो सैनिटाइजेशन हो गया, आपको कंटेंट दिखाते हैं। तो एक मैंने ये स्टिकर मंगाया था, ये आपको याद होगा मेरे बाइक पे पीछे लगा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वापस लगा दूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। एंड बाकी एक ब्रश मंगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे चेन क्लीनिंग के लिए ब्रश वश नहीं था, तो एक ब्रश आ गया। ये देखिए, ये गाइस जो है ब्रेथ डिफ्लेक्टर है हेलमेट का मेरे, जो कि बहुत टाइम पहले खो गया था निकल के। और ये आपके जो ब्रेथ है वो ग्लास पे जमने से रुकता है, जिससे फॉग वगैरह जमता है उससे वो बचाता है इस चीज़ को। सेकंड आइटम, ये इंटरनल मिडल पैडिंग है इसकी, ये है उसका मिडल पैडिंग जो कि लगेगा हेलमेट के अंदर। एंड ये चीक पैड है दोनों साइड के, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये गाइस राइट साइड का पैड है और ये लेफ्ट साइड का पैड है, तो ये दोनों चीक पैड हैं। मेरे वाले एक्चुअली 3-4 साल हो गया हेलमेट को एंड वो गल चुके थे, तो SMK के थ्रू मैंने मंगाया, उनको मैंने मेल किया था, तो उन्होंने लगभग 1-2 हफ्ते में रिस्पॉन्स करके इसको लखनऊ भिजवा दिया था। एंड उसके बाद वहाँ पे प्रो बाइकर्स है और सुपर राइडर है, उन दोनों की हेल्प से एक्चुअली ये यहाँ तक डिलीवर हुआ है। सो उन लोगों को भी थैंक्स एंड SMK को भी थैंक्स कि उन्होंने इतना जल्दी रिस्पॉन्स देके ये चीक पैड वगैरह भिजवा दिया। बाकी ये एडिशन मैंने वाइज़र मंगाया है, ये सही आप देख सकते हैं, ये मिरर फिनिश वाइज़र है ट्विस्टर के लिए, SMK ट्विस्टर के लिए। सो आपको नया लुक देखने को मिल सकता है, इसमें फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं क्योंकि मेरा ये चेहरा नहीं आता है उसमें। बहुत मनोज लग रहा, मत करो रन लो, बहुत बुरे लग रहे, तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बाकी बस इतना चीज़ें मंगाई थी मैंने। अब चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपने SMK ट्विस्टर का पैड्स वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे इजली निकाल सकते हैं। तो चलिए पहनते हैं अपनी आँखें और करते हैं इसके पार्ट्स रिप्लेस। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जो करनी है वो है इसका वाइज़र रिमूव। तो आप 2 क्लिक ऊपर आइए एंड आपको यहाँ पे एक लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, ये चीज़, इसको आपको इस साइड से एंड इस साइड से, ये दोनों साइड से आपको ग्रैब करके आगे के साइड पुल करना है। सो मैं आपको दिखा दूँ, ये आगे के साइड पुल किया आपने, आप इस वाइज़र को आप उठाइए ऊपर एंड आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे कि जो लॉक वाला हिस्सा है, ये लॉक वाला हिस्सा यहाँ से इसको पार कर गया है, मतलब अब ये अनलॉक हो सकता है। एंड जैसे आप इसको ऊपर लेके आएंगे और बाहर खींचेंगे ये निकल आएगा। तो सबसे पहले तो वाइज़र हटा दीजिए जब भी आप कोई काम करिए, क्योंकि उस पर स्क्रैच लगने के बहुत चांसेस होते हैं। भले स्क्रैच रेजिस्टेंस कहने भर का है लेकिन स्क्रैच लगते हैं इस पर बहुत ज़्यादा। इंटरनल पैडिंग आपको दिख रही होगी, साइड चीक्स, ये चीक पैड है और ये सेंटर लाइनिंग है। तो सबसे पहले आप सेंटर लाइनिंग रिमूव करेंगे। सो आपको यहाँ पे 2 बटन है, बटन टाइप के, उसको क्या है, चुटपुट बटन हम लोग कहते थे, पता नहीं उसका सही नाम क्या है। जब इसको खींचेगा पॉप बटन्स, तब
ये आपका, ये पीछे से निकल आया एंड फ्रंट से, फ्रंट एंड से आप देख लीजिए। सो ये जो मिडिल पैडिंग है यहाँ पे तीन लॉक लगे हुए हैं जिसको फंसाए रखते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको हल्का हल्का लिफ्ट करना है। जैसे ये सेंटर लिया, इसको लिफ्ट किया एंड खींचा एंड साइड से भी एंड इस साइड से भी। एंड ये आपका सेंटर पैडिंग निकल गई। सो इससे ये सेंटर पैडिंग निकल आएगी और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या था और क्या हो गया था। वैसे ही तो दोबारा सिला गया क्योंकि फट गया था, तो ये फोम इतना था, गल के इतना हो गया पतला सा। तो जो साइड के पैड्स है ये काफ़ी स्ट्रांगली इसमें रहते हैं एंड इसमें भी वही सेम चुटपुट टाइप के बटन हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रांग है। एंड जब आप उसको खींचिएगा तो जो इसका सॉकेट है वो कभी कभी उखड़ जाता है, मेरे केस में तो कई बार उखड़ चुका है। सो मैंने दोबारा चिपकाया था, लेकिन आप ध्यान से करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से खींचना है साइड से, जिससे जो ये पैड्स अंदर के साइड गए हैं ये आराम से निकल आते हैं। एंड बहुत जेंटली करिएगा, फ्लेक्सिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्लेड्स है ये अंदर घुसे रहते हैं साइड में। सो सबसे पहले इसको निकालिए। जब आप इसको निकाल लेंगे तो आप अंदर के साइड देखेंगे कि यहाँ पे जॉइनिंग है, एक साइड यहाँ पे जॉइंट है और एक साइड अंदर के साइड है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आपको जेंटली अपना फिंगर इसमें इंसर्ट करना है और इस साइड को दबाना है और इस साइड को बाहर की तरफ खींचना है। ये पहला निकल आया। यहाँ भी सेम काम करना है कि आपको जो सॉकेट है उसको फिंगर डाल के प्रेस करना है एंड जो इसका पैड्स है इसको खींचना है। एंड थर्ड अंदर के साइड एंड यहाँ से खींचना है एंड इसके बाद ये आराम से निकल आएगा। एंड मैंने ये देखिए ये जुगाड़ लगाया था, अपना माइक्रोफोन को यहाँ छेद करके अंदर डाला हुआ हूँ, तो जो म्यूज़िक सिस्टम बजता है, एक बार दिखा देना, जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका माइक्रोफोन है ये। सो आपको मैं फिर से दिखा दूँ कि पैड क्या थे और क्या हाल हो गई है। तो इसलिए अपना पैड आप रेगुलर चेंज कराते रहा करिए हर एक से दो साल के बीच में। अब चलिए पैड्स लगाना शुरू करते हैं। सो सेम प्रोसेस है, ये तीन आपको जो स्पॉकेट दिख रहा है ये आपको अटैच करने हैं एंड आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सा राइट साइड का है कौन सा लेफ्ट साइड का है। तो जब आप निकालें तो उस चीज़ का ध्यान रखें और वही देख के वापस लगाएं। तो इसको मैं लगा देता हूँ। सबसे पहले ये कौन सा साइड का है, ये आपका राइट साइड का पैड है। सो मैंने जो जो चीज़ें कही आसान है वो आसान नहीं निकली, पता नहीं क्यों, थोड़ा मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ा हम लोग को। बट लास्ट वाला जो ये क्लिप है जो इसमें लगा था, मुझे लगता है कि डिफेक्टिव था या क्या था, क्योंकि क्लिपिंग नहीं हो पा रही थी, वो अटैच नहीं हो पा रहा था। सो हम लोग ने एक पेपर लगाया है एंड उसमें पुश किया है तो अटक गया है वो, मतलब काफ़ी हद तक बढ़िया है। सो वाइजर लगा देते हैं। Oh.
जो हेलमेट लेते समय लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये कि ढीला हेलमेट लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे चीक्स देख सकते हैं कि कितने टाइट है, मतलब पुश देखे कितना है इसमें। एंड लोग इतना ढीला हेलमेट खरीदते हैं जो उनके लिए बहुत ही अनसेफ होता है। मैं आपको बता दूं कि जो ढीला हेलमेट लोग लेते हैं वो काफ़ी अनसेफ होता है उनके लिए, एंड उसको पहनना बहुत हार्मफुल होता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने ये हेलमेट पहना, अगर मैं अपने थंब या फिंगर से इस हेलमेट को निकाल लेता हूँ ईज़ली, तो वो हेलमेट मेरे लिए बहुत बेकार है। लेकिन अगर ये इतना टाइट है कि ये नहीं निकल रहा, इतना मेहनत करने के बाद भी, तो मतलब वो हेलमेट आपके लिए सही है। एंड बहुत टाइट हेलमेट भी ज़रूरी नहीं है, और बहुत ढीला तो एकदम ही ना लीजिए आप। एंड हेलमेट पहनते पहनते ढीले होते हैं, सो उसका भी ध्यान रखिएगा। और पैड्स हमेशा बदलते रहिए जिससे आपको ये टाइटनेस, ये ग्रिप और ये कम्फर्ट आपको मिलती रहे। सो गाइज, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ब्लूपर्स एंड फोटोज़ आने वाले हैं या आ चुके होंगे। आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी, उसके लिए आप घंटी को ज़रूर बजाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड गाइज, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।